Hello everyone. So in this video we learn about hydrocarbons. ठीक है, अब समझो कि hydrocarbons होता क्या है. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, hydro का मतलब hydrogen और carbon का मतलब carbon. ठीक है, वो molecule जिसमें hydrogen रहे और carbon रहे उनको हम क्या बोलेंगे, hydrocarbon. अब carbon की क्या property होती है, दो property हमने पढ़ी थी. जो फर्स्ट जो कि वर्सेटाइल नीचे शो करता है, वन इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कि एक कार्बन जो है वो या तो ब्रांच फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर एक कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के साथ क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है, वो एक लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी मॉलिक्यूल बना सकता है, एक लॉन्ग कार्बन की चेन बना सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन. सेकेंड वन इज टेट्रावेलेंस, मतलब ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि एक कार्बन जो है वो कितने मॉलिक्यूल से अटैच होता है, वो चार मॉलिक्यूल से अटैच होता है. या तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन सेम एटम से अटैच हो, ठीक है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, या तो वो सारे सेम एटम हो, या फिर क्या हो सकता है वो डिफरेंट से अटैच हो. एक दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. दिस इज द शेप ऑफ कोई भी कार्बन जो है वो क्या करता है, टेट्रावेलेंसी करता है, मतलब चार दूसरे एटम जो है उसके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है. या तो हो सकता है कि चारों जो एटम है वो क्या रहे, सेम रहे, या फिर हो सकता है कि चारों जो है वो डिफरेंट रहे, ठीक है, डिफरेंट रहे, दो सेम रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो तो ये सेंटर वाला पार्ट क्या रहेगा, कार्बन, और इसके अराउंड जो है जो लगे हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि ये टेट्रावेलेंसी कर रहा है, मतलब चार अदर एटम जो है उसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग. अगर ये लगा हुआ है मतलब वो सेम एटम से अटैच है. मान लो अगर मैंने इसकी जगह यहाँ पे चेंज कर दिया तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, किसी दूसरे एटम के साथ क्या हो गया, ये बॉन्डेड हो गया. एंड द शेप ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन एंड द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, कि कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है एंड शेप ऑफ दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है. अब देखो इन दिस, अब ये तीन टाइप के रहेंगे कार्बन जो बॉन्डिंग करते हैं. एक, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहे, सिंगल बॉन्ड रहे. जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा उनको हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स हम बोलेंगे, ठीक है. और इसका जनरल फॉर्मूला होता है डेट इज सी एन एच टू एन प्लस में टू. मतलब इसका क्या मतलब, ये अभी हम आगे समझेंगे जब हम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना सीखेंगे, इथेन मिथेन, तो वहां पे मैं इसको इन डिटेल बताऊंगी कि सी एन एच टू एन प्लस टू का क्या मतलब है. अब देखो यहाँ पे यह हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहे, डबल बॉन्ड रहे. जब भी डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे. और एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है डेट इज सी एन एंड एच टू एन, ठीक है. वेन एवर देर इज ट्रिपल बॉन्ड, जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड रहेगा, डेट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड. और उसको क्या नाम देंगे, एल्काइन्स हम बोलेंगे. और इसका जनरल फॉर्मूला होता है डेट इज सी एन एंड एच टू एन माइनस का टू, ठीक है. अब इसी बेसिस पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर वन इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. अब देखो सैचुरेटेड किन को बोलेंगे, वेन एवर द कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं. और वेन एवर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रहे या फिर उनके बीच में क्या रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलते हैं. अब देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमेशा क्या देंगे, क्लीन फ्लेम मिलेगा आपको, ठीक है. क्लीन फ्लेम, जैसे जब भी हम गैस वगैरह को बर्न करते हैं तो वहां से ब्लू फ्लेम, क्लीन फ्लेम हमें मिलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है, कंप्लीट कंबशन हुआ है. कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होना. और कंप्लीट कंबशन किस कारण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे क्या हुआ है, कंप्लीटली ऑक्सीजन का ऑक्सीजन उसको दिया गया. अनसैचुरेटेड, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे. तो यहां से क्या मिलेगा हमें, येल्लो फ्लेम मिलेगी,
विद लोड्स ऑफ स्मोक, जैसे हम बहुत बार घर में लकड़ियाँ जलाते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, येलो फ्लेम मिलता है और वहाँ से स्मोक की फ्लेम हमें मिलता है। वो किस कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लिमिटेड सप्लाई हुई है एयर की, मतलब उसको जो ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है वो क्या है, लिमिटेड है, मतलब कम्प्लीटली उसको सप्लाई नहीं किया गया, डैट्स वाई वहाँ से हमें क्या मिलता है, येलो फ्लेम मिलता है, ब्लैक स्मोक वहाँ से हमें मिलता है। और डिपॉजिट ऑफ द शूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल, तो मेटल की जो आपने देखा होगा बहुत बार कढ़ाई के नीचे, जैसे वो ब्लैक ब्लैक एक परत सी जम जाती है, वो किस कारण होता है, वो इनकम्प्लीट कमर्शन के कारण उसमें होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस में कार्बन, वो तीन तरह के बॉन्ड बनाएगा, वन इज सिंगल बॉन्ड, अनदर वन इज डबल एंड थर्ड वन इज ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलेंगे। डबल सिंगल बॉन्ड जब भी रहेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलेंगे। सैचुरेटेड क्लीन बर्निंग होगा क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम ब्लैक स्मोक वहां से होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है।